नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम सूरज छेत्री और आप देख रहे हैं सूरज छेत्री YouTube चैनल। सो दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि दूसरों का WhatsApp स्टेटस वीडियो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम जाएंगे किसी भी ब्राउजर में, जिसमें मैं जा रहा हूँ क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे हमें चार्ज करना पड़ेगा विडमेट एपीके। विडमेट एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड करना है और यहाँ पे जो आया है विडमेट फॉर एंड्रॉयड एपीके डाउनलोडेड, इसी लिंक में हमें फर्स्ट लिंक में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा विडमेट एपीके डाउनलोडेड। और यहाँ पे डाउनलोड एपीके में क्लिक कर दीजिए और विडमेट ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। ये देखिए विडमेट ऐप, आप इंस्टॉल करने के बाद विडमेट ऐप को ओपन कीजिए। विडमेट ऐप को ओपन होने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं YouTube, WhatsApp, Facebook ये आ गया है। और यहाँ पे हमें WhatsApp में क्लिक करना है। WhatsApp में क्लिक करने के बाद आपके WhatsApp के दोस्तों ने जितना WhatsApp में वीडियो अपलोड किया था वो सारा का सारा वीडियो यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा वीडियो पसंद है, जैसे कि मुझे फ़ोटो भी यहाँ पे आ जाता है, फ़ोटो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस वीडियो को अच्छा लगा है, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं कि व्हाट्सएप आइकन के साइड में डाउनलोड में क्लिक कर दीजिए तो देखिए सेव टू गैलरी, यानी कि आपका ये डाउनलोड होकर गैलरी में सेव हो गया। तो इसी तरह आप फोटो को भी सेव कर सकते हैं, जैसे मैं इसका फोटो आप सेव करूँगा, यहाँ पे देखिए तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं मेरे इंस्टाग्राम का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और फेसबुक में भी आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। सो फेसबुक का प्रोफाइल लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो दोस्तों